हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ मोना, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शुक्रवार फ्राइडे, अभी करीब 8:30 बजे का टाइम था, तो ब्रेकफास्ट हम लोग का खत्म हो गया था। आज माही का स्कूल नहीं था, अभी सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे संडे 3 दिन उसका छुट्टी है। तो क्या हुआ ना, वो जल्दी से उठ गई तो ब्रेकफास्ट भी हमारा जल्दी से हो गया। उसको एक आदत सी हो गई है अभी, क्योंकि रोज रोज स्कूल जाने के लिए उसको जल्दी उठना पड़ता है, तो जब छुट्टी होता है तब भी वो जल्दी उठ जाती है। तो मैंने भी ब्रेकफास्ट खत्म हुआ था, अपने घर का काम स्टार्ट कर दिया, आज थोड़ा सा क्लीनिंग। दिवाली भी आ रहा है, गेस्ट भी आने वाले हैं घर पे, तो क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एंड दिवाली पे तो हम लोग करते ही हैं। तो सबसे पहले ये इस वाले कमरे का ना मैंने बेडशीट आज चेंज कर दिया, एंड वो जो कबर्ड था वो भी काफ़ी धूल धूल सा हो गया था, तो उसको मैंने सूखे कपड़े से बस ऐसे डस्टिंग कर लिया था थोड़ा सा। एंड बेडशीट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एंड ये रूम काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जब भी मेरे इन लॉस आते हैं तभी होता है, मेरे सासू माँ आते हैं या फिर मेरे मम्मी पापा कब आते हैं ना तब भी ऐसा होता है ये रूम यूज़, या फिर मेरे भाई आ जाता है, नहीं तो ऐसे ही रहता है ये वाला रूम। एंड ये वाला जो मैंने आपको हैप्पी बर्थडे का दिखाया, ये माही का बर्थडे का था, तो मैंने उसे अभी भी संभाल के रखा हुआ है। ऐसा होता है ना कि कोई कोई चीज़ हम अपने बच्चों का रख देते हैं, मन रहता है कि नहीं फेंकने का, मन ही नहीं करता है, तो उस तरह से कुछ कुछ बर्थडे का सामान अभी भी मैंने रखा हुआ है, जैसे कि स्पून से मुझे नहीं पता इसको क्या होगा, लेकिन मैंने रखा हुआ है ताकि फिर कभी इन फ्यूचर काम आ जाए। तो इस टेबल के नीचे ना एक टोकरी जैसा मैंने रखा हुआ है, तो उसमें ही ये सारा सामान मैंने रख दिया है अभी। तो इस टेबल को भी थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि उसके ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा धूल हो गया था। ऐसे नॉर्मल ये खाली रहता है, इसके ऊपर कुछ नहीं रखते। मुझे ये समझ में नहीं आता इस वाले घर में, आप लोग देखिए जो कबर्ड है बीच में, इसके इस साइड में थोड़ा सा जगह खाली है, एंड उसके जो दूसरे वाला साइड जो टेबल था वहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है, तो ना दोनों जगह को कोई यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, कुछ मुझे आइडिया नहीं आ पाता यूज़ करना, क्योंकि अगर एक ही साइड में सारा कुछ हो जाता ना तो एक टेबल में रख लेती अच्छे से, या फिर नहीं होता तो भी चलता, लेकिन ये आधा आधा करके बहुत प्रॉब्लम हो गया इस रूम में। तो यहाँ पे मैं सारा कपड़ा जो भी साफ़ था उसको अलग कर रही थी, जो साफ़ करना था जो गंदे हो गए थे उसको अलग कर रही थी। महेंद्र भी आए हुए थे तो वो भी कुछ कुछ हेल्प कर रहे थे, क्योंकि उनका टाइम मोस्टली 2:30-3 बजे जाएंगे वो ऑफिस, उनका वही टाइम होता है, वो रात को आते हैं, अगर किसी बहुत लोगों को अभी नहीं पता होगा। तो मैं वही जो भी कपड़े फोल्ड करके दे रही थी, मेरे रूम का था तो मेरे कपड़े मोस्टली उस रूम में होते हैं, वो कमरे में, तो वहाँ पर रखती हूँ, एंड इस कमरे में मोस्टली माही का होता है। एंड अभी क्योंकि दिवाली चल रही तो हम बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करते हैं, तो कुछ कुछ कपड़े माही के पुराने से हो गए थे तो वही मैं निकाल रही थी, कुछ उसके, कुछ मेरे, कुछ महेंद्र के, जो कि या फिर कुछ अच्छे भी थे जो छोटे हो गए थे, माही नहीं पहन रही थी। लेकिन माही को देखिए यहाँ पे जैसे होता है ना, बच्चों को अपने चीज़ किसी को देने का मन नहीं करता है, तो वही बोले कि मेरे सामान है आप लोग क्यों दे रहे हो किसी को, मुझे पहनना है, देखो आप उसका। मुझे इतना हंसी आ रहा था अभी रिकॉर्ड करते हुए कि बोले नहीं ये मम्मा मेरा है, आप क्यों ले रहे हो, इसमें किसको देना है, मुझे पहनना है ये सारा। उसका छोटा हो गया लेकिन उसका मन, ऐसा होते हैं बच्चे, अभी क्या कर सकते हैं, उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही सारा कपड़ा मैं सामान एक बैग में रखती हूँ, तो एक आंटी आती है तो मैं उनको दे देती हूँ, तो वो बांट देती है। बेसिकली मुझे उतना नहीं पता है यहाँ पे किसको देना है, तो उनको देती हूँ तो वो दे देती है। तो इस वाले बेडरूम में आ गई हूँ, एंड सबसे पहले मैं इस टेबल स्टैंड से, टीवी स्टैंड से मैं साफ़ करना स्टार्ट कर दूँ ये वाला। तो एक बार अभी साफ़ कर लूँगी, तो दिवाली अभी बहुत करीब है तो ज़्यादा दोबारा से मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फूल को मैंने कुछ ही टाइम पहले साफ़ किया था, तो बस इसी के लिए मैं इसे डस्टिंग कर दिया, ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमारा फोटो है ये वाला, पता नहीं कहाँ पे गए थे, तो इसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ करूँगी। एंड इसके नीचे ड्रॉअर में जो भी था वो महेंद्र देखते हैं, मोस्टली उन्हीं का सामान होता है, तो मैं उसको साफ़ नहीं करती, उतना ज़्यादा क्लीन नहीं करती। एंड इस वाले बेडरूम का कबर्ड, इस वाले बेडरूम में जो कबर्ड है ना ये थोड़ा सा सही है, तो जगह बच जाता है, जगह ज़्यादातर, तो इसको भी मैं ऐसे ही हल्के हाथों से डस्टिंग कर लूँगी, कोई पोछा नहीं लगाऊंगी इसमें, मतलब गीले कपड़ा नहीं लगाऊंगी, बस डस्टिंग करूँगी। ऐसा मोस्टली ना हफ्ते में कर लेती हूँ, एक बार दो बार, तो उतना ज़्यादा नहीं होता, पर फिर भी फेस्टिवल आ रहा है, त्यौहार है, तो थोड़ा सा करना पड़ता है। एंड इस रूम का भी बेडशीट मैंने चेंज कर लिया है, एंड यहाँ पे मोर वाला बेडशीट है, पता नहीं माही को अच्छा लगा, मम्मी मोर वाला, पीकॉक वाला लगाते हैं, तो मैंने लगा दिया। तो आई डोंट नो कैसा लग रहा होगा, बताना कमेंट करके नीचे आप लोग थोड़ा सा। एंड मैं यहाँ पे वॉलपेपर लगाने वाली थी, पर पता नहीं अभी तक आया ही नहीं, मेरा डिलीवरी क्या होता है दिवाली तक, मेरा सारा प्लान चौपट हो जा रहा है। तो हमारा मेरा जो क्लीनिंग था वो आधा हो गया था, अभी बस झाड़ू लगाना था, तो वही मैं कर लूँगी इस रूम का। एंड कितना भी आप साफ कर लो, अगर बेड के नीचे मैं देखती हूँ ना तो कुछ ना कुछ कूड़ा निकल ही जाता है, पेपर निकलता है या फिर किसी का टूटा फूटा डॉल का कुछ निकलता है, कुछ ना कुछ मेरे घर में ऐसा होता ही रहता है माई के साथ, तो रोज़ रोज़ इस बेड के नीचे तो लगाना ही पड़ता है। एंड ऐसे कॉर्नर में तो रहता ही है धूल, आप जितना भी साफ कर लो रोज़ रोज़, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो कॉर्नर में धूल आ जाते हैं। तो देखिए हर रोज़ साफ होता है, लेकिन फिर भी आज कितना कूड़ा निकला है यहाँ पे। तो ये वाला काम मेरा अभी हो गया है, एंड इन सबको मैं अलग पॉलीथीन में रख रही हूँ,
पॉलीथीन बैन है, आई नो अभी यूज़ करना नहीं चाहिए लेकिन ये बहुत पहले का था तो उसको मैं दे दे रही हूँ। अभी मैं क्या करूँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला, वैसे ये वाला ना शॉप में देते हैं, यस ये बायोडिग्रेडेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, भूल गई थी। तो ये उसके बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ बाथरूम साफ करने के लिए। ये दूसरे रूम का पूजा रूम जो था मेरा, वहाँ का बाथरूम है ये वाला। ये मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम लोग बेडरूम वाला बाथरूम उतना यूज़ नहीं करते हैं। तो बस जो भी था ऐसे ही मैं मॉप कर लूँगी, थोड़ा सा सिंक को थोड़ा सा अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था वहाँ पे। तो उसके बाद जो भी ये पाइप होता है ना, ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है ज़्यादातर, तो उसी को मैंने से क्लीन कर दिया है। तो उसके लिए जो किचन क्लीनर का, फ्लोर क्लीनर क्लीनर का आता है ना, मैं वही यूज़ करती हूँ उसके लिए, और कुछ यूज़ नहीं करती, मुझे उतना नहीं पता क्या यूज़ करना है। उसी से मेरा अच्छे से क्लीन हो जाता है, ये जो पाइप वाला होता है तो मैं कर लेती हूँ उसी से। एंड उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ मेरा कपड़ा धोने के लिए। एंड ये वाला बाथरूम ऑलरेडी साफ़ होता ही है तो इतना यूज़ नहीं होता, तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी नहाने से पहले जो भी मेरे कपड़े बचे हुए थे थोड़ा सा, तो मैं इसे वॉश कर लूँगी। एंड ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हाथों से वॉश करती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है। मेरा वॉशिंग मशीन आज थोड़ा सा वोल्टेज का प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी वॉश कर लिया ताकि सुखाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश हो जाती है दोपहर में तो नहीं हो पाता। तो झूठ भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं हमेशा हाथ से धोती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है वॉशिंग मशीन काम नहीं हो पाता, तो अभी ऐसा कर लेती हूँ। तो उसके बाद मेरा ये भी काम खत्म हो गया एंड मैंने नहा भी लिया था। एंड थोड़ा सा बस जो कि मेरा डेली होता है रूटीन, यहाँ पे बस एक टोनर लगा रही हूँ ये वाला, एंड यहाँ पे एक बिंदी जो कि नॉर्मल होता है, एंड एक लिप बाम। इतना तो आप सबको करना ही चाहिए, स्किन को स्किन केयर बोलोगे तो यही होता है मेरा, और कुछ नहीं होता इसके बाद। अभी बज रहे हैं टाइम कितना, 10:45 मतलब 11 बजने को 15 मिनट बाकी, एंड मैंने सारा काम खत्म कर लिया। आज लंच बनाना है, लंच अभी थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, सोचा थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। मोस्टली ना ये टाइम ऐसा होता है कि बाकियों के दिन कि जब माही तो स्कूल चली जाती है एंड महेंद्रन मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है तो वो अपने काम में लग जाता है, मैं अपने काम में लग जाती हूँ। मोस्टली अगर इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आता है तो वो बात कर लेती हूँ, या फिर आपके कमेंट्स चेक कर लेती हूँ। मोस्टली अगर आपको कुछ आया हो पेंडिंग या फिर कोई मेल चेक कर लेती हूँ, तो मोस्टली 11:30 बजे तक का टाइम ना उसी तरह चला जाता है। एंड मैं हमेशा 11:30 बजे ही मतलब लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि माही का आना वो हो जाता है स्कूल, मतलब जब तक मेरा खाना बनता है ना तब तक वो आ जाती है, तो उस तरह से मैं बना लेती हूँ। आज लेकिन माही है घर पे तो और कोई काम नहीं करने देगी वो कि मेल चेक करो बैठ के मुझे। अगर मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो उसको पता है कि हाँ मम्मा वीडियो बना रही है, तब वो कुछ नहीं बोलेगी आगे। लेकिन अगर मैं चुपचाप से फोन में अगर किसी को रिप्लाई करी कुछ करूंगी ना तो बिल्कुल भी मुझे करने नहीं देगी। तो इसी के लिए मैंने ब्लॉग ही कंटिन्यू कर लिया आज। तो मैं आपको मोस्ट मतलब अभी दिखाने वाली हूँ ये वाला एक ड्रेस। तो ये ना अभी का नहीं है, 3-4 साल पुराना है। शादी के बाद आई थिंक सेकंड बर्थडे था या फिर ऐसा कुछ था, या फिर फर्स्ट बर्थडे था मेरा जिसमें कि मैंने ये ड्रेस लिया था। पहला बर्थडे था शादी के बाद, तो अब तक तो 4 साल हो गए लेकिन मैंने इसे गिन के 2 बार पहना है। कोई कोई ड्रेस ऐसा हो जाता ना कि हम लोग रख देते तो रख देते हैं, वैसा ही है। 2 ही फोटो है जबकि मैंने 2 बार पहना है और कुछ नहीं। तो चलिए ये जो वाला ड्रेस है ना, ये इसमें ना यहाँ पे इस तरह का काम हुआ है कुछ, एंड ये देखिए ये वाला पूरा ऐसा लॉन्ग है एंड यहाँ पे ना ऐसा जरी वाला काम हुआ है। तो दोनों के साइड में ना ऐसे जो वो क्या बोलते हैं उसको, लटकन दोनों साइड से ऐसे दिया गया है। सो मैं सोच रही थी कि ये वाला पहन लेती हूँ दिवाली पे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाले ड्रेस में ना यहाँ पे कौन सा दुपट्टा सही लगेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था किस कलर का या फिर किस तरह का लेने का। अगर आप लोगों में से कोई आइडिया दे सकते हैं मुझे प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे एक लॉन्ग स्कर्ट पे आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे आइडिया दिया था, तो मेरे लिए वो काफी हेल्पफुल था। तो बताइएगा ये एक लॉन्ग इस तरह से है तो, या फिर साड़ी पहन लो कुछ बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली। तो अभी आज मैंने हेयर वॉश किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि कुछ हेयर ऑयल के बारे में आप बता दीजिए। तो ये वाला जो है मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे महेंद्र मोस्टली यूज़ करते हैं ऑनियन हेयर ऑयल है ये वाला, ये ओरिजिन का है एंड यह इसमें 25+ नेचुरल हर्ब्स हैं एंड ये आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में तो ये आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, जो लाइस होता है आपके बालों में तो वो भी रिड्यूस करता है। तो हम दोनों में तो ऐसा कुछ है नहीं तो हमें वो उसके बारे में नहीं पता, लेकिन हेयर फॉल ये डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ, क्योंकि महेंद्र के भयंकर वाला हेयर फॉल हो रहा था एंड मेरा भी थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन मेरे से ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया है ये वाला। एंड डैंड्रफ को भी ये रिड्यूस करता है, इस तरह का लिखा हुआ है। सो इसमें 200 ml का आपको मिल जाएगा। एंड मैं दिखाती हूँ, ये रेड ऑनियन ऑयल है ना, इसमें आपको देखिए
ये वाला थोड़ा सा आपको इस तरह से मिलेगा, ये वाला देखिए इस तरह सा कलर आएगा, ये वाला थोड़ा सा रेड कलर ही है क्योंकि रेड ऑनियन ऑयल है, ज्यादा थिक नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसे 3 घंटे लगा के रखना है या फिर आप वॉश कर सकते हैं या फिर आप ओवरनाइट रख लीजिए जैसे चंपी करते हैं आप लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसी के लिए मैंने बता दिया, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ना कि इसके मुझे पैसा मिले है, अगर ऐसा होता तो मैं ये लाइन यहाँ पे नहीं बता सकती क्योंकि कुछ लोग आ जाते हैं फिर यहाँ पे ना कि आप तो ऐसे ही बोलती हो ऐसे ही बोलती हो। तो ये 200 ml का बॉटल है, इसमें 60% का ऑफ भी मिलेगा आपको, तो अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप परचेस कर सकते हैं वहाँ पे। ये प्योर एंड नेचुरल ऑनियन रेड ऑनियन ऑयल है, तो अगर किसी को चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं ये वाला। तो चलिए अभी बनाते हैं लंच क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है। ओ गॉड, बात करते करते 11:20:15 हो गया, नहीं हाँ 11:20:25 हो रहा है यार, 20:15 में बोलूँ देखो। तो चलिए लंच बनाते हैं, फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। हाँ है गला, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी लंच बनाने के लिए। लंच में चावल तो नॉर्मली बनता है, ये तो चावल बना दिया है माही के लिए, वो रोटी ज़्यादा नहीं खाती है चपाती, हमारे लिए मैं आज चपाती बनाऊँगी एंड आलू एंड जो सोयाबड़ी होता है मिलमेकर भी बोलते हैं सोयाबीन, सोयाबड़ी का एक सब्जी बनाऊँगी यहाँ पे, थोड़ा सा तरी वाला बनाऊँगी क्योंकि चपाती के साथ थोड़ा सा सब्जी वाला होता है ना तरी वाला तो अच्छा लगता है। तो एक बड़ा सा प्याज लेके उसको भून लिया, थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने हल्दी डाला था, उसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक एंड लहसुन को कूट लिया था क्योंकि ग्राइंड करने का टाइम नहीं था, ये सारा काम करके लेट हो गया था, तो उसको भून लेने के बाद इसमें मैंने एक बड़ा टमाटर डाला था एंड उसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया था। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो सोयाबड़ी है अच्छे से उसको मैं गर्म पानी में डाल दिया था, सोक कर दिया था, तो वो एकदम से नरम हो गया था। उसमें जो पानी था उसको निचोड़ के मैंने वो जो मसाला था उसमें ऐड कर लिया था, उसमें मैंने ऐड किया था 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर एंड उसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था ढक के पकने के लिए। वो जो मसाले वाला पाउडर का क्लिप था ना वो डिलीट हो गया था तो मैं इसे ऐड नहीं कर पाई थी, पता नहीं क्या मिसप्लेस हो गया। एंड यहाँ पे मैं जब तक वो वाला थोड़ा सा फ्राई हो रहा है सोयाबड़ी, मैं यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया है साइड बाय साइड ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाएगा। चपाती के लिए मैंने आटा गूंद के रख दिया था, तब तक मेरा जो सब्जी मैंने बनाना था वो जो सोयाबड़ी था वो अच्छे से फ्राई हो गया था। इसमें मैंने 4 आलू लिया था बॉयल करके, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, ज़्यादा छोटा नहीं मीडियम साइज़ के टुकड़ों में मैंने काट लिया था, उसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा आपको पानी डालना है एंड आपको धनिया का पत्ता है तो आप धनिया का जो धनिया लीव्स होते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। एंड 10 मिनट के लिए इसके बॉयल करने के लिए छोड़ दीजिए, मैंने साइड वाले गैस में रख दिया है इसे। तब तक मैं यहाँ पर चपाती बना लूँगी, चावल मेरा ऑलरेडी बन गया है। आप लोग बहुत लोग मुझे कभी कभी बोलते हैं कि चपाती इतने बड़े बड़े साइज़ के क्यों बनाते हो, तो मेरे घर में 2 बच्चे होते हैं, एक है माही एंड एक है महेंद्र, महेंद्र भी खाने के लिए इतने परेशान करते हैं कभी कभी कि 2 ही रोटी में खाऊंगा, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि 2 करके वो 3 एटलीस्ट खा ले रोटी। तो यही मेरा होता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एंड अभी तो हैबिट हो गया है, मेरे इन लॉज के यहाँ पर जाती हूँ तो भी मैं इतने बड़े बड़े रोटी बना लेती हूँ, तो मेरी मदर लग होती कितनी बड़ी रोटी है, तो उतने रोटी भी बन गया था मेरा। एंड यहाँ पर सब्जी भी देखिए पानी बहुत ज़्यादा सूख गए, रेडी हो गया है। तो ये था हमारा लंच, तो लंच करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो बहुत लोगों ने ना मुझे ए मल्ले मंगलसूत्र के बारे में पूछा था, तो कल नहीं बहुत पहले मैंने पहना था, तो इंस्टाग्राम में मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था। तो ये जो है ना ये गोल्ड का है, लेकिन इससे पहले बहुत पहले मैंने एक पहना हुआ था, मैं मम्मी के घर गई थी माइके ब्लॉक में तो वहां पे भी बहुत लोगों ने पूछा था, तो लेकिन वो शॉप से खरीदा हुआ था, लेकिन उसका मैंने ये वाला डिजाइन बनाया था क्योंकि मुझे अच्छा लगा, सेम डिट्टो मैंने बनाया है। यहाँ पे ना मंगलसूत्र की तरह ऐसे ब्लैक ब्लैक बीड्स की तरह यहाँ पे है ऐसा, एंड यहाँ पे ना ऐसा पर्ल्स लगे हुए हैं, लेकिन ये बहुत लाइट वेट है। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम में पूछा था कि दीदी आप भूल जाती हैं नहीं दिखाती हैं, तो ये बहुत लाइट वेट है। अगर आपको चाहिए डिजाइन तो मैं आपको दे दूंगी इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट इसका, ये बहुत लाइट वेट है। अगर आप कोई फंक्शन में जा रहे हो पहन लिया फिर आके उतार के इसको रख दिया तब ठीक है, डेली नहीं यूज कर सकते वो टूट जाएगा, लेकिन ये मुझे 1-2 लोगों ने इसका डिजाइन पूछा था मैंने उनको दिया था। ये बहुत स्ट्रांग है, मैंने इसको 3 से 4 बार ज्वाइन किया है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि माही का ना है ये यहाँ पे है माही यहाँ पे यहाँ हेलो माही की ना एक आदत है क्या पता है जब वो छोटी थी वट तो ऐसा ऐसा खींच खींच के ना नीचे उतरती थी तो उसके चलते ये 2 से 3 बार ये टूट गया है। एंड यहाँ पे बेचारे महेंद्र कल रात को इनके साथ क्या हुआ पता है, कल ये कितने टाइम बाहर था, आधा घंटा योर बाबा ओनली, मैं कब बोली माई बाबा, आधा घंटा ये बात
तो अरे ऐसा नहीं, मैं ना कल 9 बजे सो गई थी, ठीक है, बहुत जल्दी मैं सो गई, 9 बजे के करीब माही एंड मैं सो गए, तो ये आए, मुझे नहीं पता ये आ जाएंगे जल्दी, फिर आके ये डोर नॉक करे 5 से 6 बार बेल मार। फोन किया था, मैं फोन किया था कि इतने बजे आऊंगा। हाँ फिर मैं उसको सुला रही थी, मुझे बहुत नींद आ रहा था क्योंकि उससे पहले 2-4 दिन ना मैं रात को सो ही नहीं थी ठीक से, तो मैं सो गई। ये आ रहे, डोर बेल बजा रहे हैं, मैं नहीं खोल रही हूँ, मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर रहे हैं, एक और 2 फोन है उसपे भी कॉल कर रहे, 5-6 बार मैं नहीं उठा रही हूँ, 10 बार 10 बार कम से कम कॉल किया। एंड फिर ना ये मेरी मम्मी को भी कॉल करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ बाद में कि मैं यहाँ पे हूँ तो ये मेरी मम्मी को क्यों कॉल कर रहे हैं वहाँ पे, तो फिर बोलते कि नहीं मम्मी आप लास्ट बार कब पिंकी से बात किए थे वो डोर नहीं खोल रही है। देखो ये सोच लिया इन्होंने कि लास्ट बार बात कभी किया था, ये तो चली गई, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो इनको बेचारे को बात, हमारे नेबर्स जो थे ना वो डोर खोल रहे थे, इनको देख रहे थे, वो सीढ़ी जो है स्टेयर ऊपर जाने के लिए वहां पे बैठे थे, तो वो भी सोच रही है यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है बैग पकड़ के, लोगों ने सोचा होगा झगड़ा हो गया इसलिए घर से निकाल दे इसको बाहर। बताए बहुत सारे लोग मुझे क्या बोलते हैं कि मैं ना पागलों की तरह मैं हंसती रहती हूँ, तुम हमेशा पागलों की तरह क्यों हंसती रहती हो, क्या मैं ऐसी ही हूँ, अगर मैं साइलेंट हो जाती हूँ ना थोड़ी देर के लिए भी तो ये भी पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों साइलेंट हो, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ हुआ, ये पूछते हैं, मेरी मम्मी पापा भी पूछते हैं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी चुप हो जाऊँ, बातें ना करूँ, हंसू ना जोर से, तो इवन मेरी मदर इन लॉ भी पूछती है कि क्या हुआ, इतनी साइलेंट क्यों, कुछ हुआ है क्या, झगड़ा हुआ है क्या, वो भी ऐसा पूछ लेती है, तो मैं ऐसी ही हूँ, मेरी आदत है ऐसे ही बात करना, तो मैं ऐसे पागलों की तरह नहीं हंस रही हूँ, आप लोग भी हंसिए, आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा अगर आप हंसते हैं। ब्लॉग को यही पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ कल, तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते, बाय, टेक केयर, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना।